Welcome students, welcome again to Maxwell Study Hub. अब female reproductive system सीख चुके हैं, अब एक और hormonal control और आपके exam point of view से बहुत important question that is menstrual cycle सीखेंगे, समझेंगे, उसके बाद उसको याद करेंगे. क्या है menstrual cycle? और ये स्लाइड में ये आँख में ये घड़ी ऐसी क्यों है, ये तब आपको समझेगा जब पूरा मेनस्ट्रुअल साइकिल समझेगा. वी विल अगेन कम बैक टू दिस स्लाइड अगेन. शुरुआत जहाँ से की थी वहाँ फिर से आएंगे और क्यों ऐसा है, ये ऐसा मैंने क्यों रखा है और ये इस पिक्चर के साथ इसका क्या कनेक्शन है ये भी देखेंगे. तो बिफोर स्टार्टिंग विथ मेनस्ट्रुअल साइकिल का एक्सप्लेनेशन, यू ऑल आर नाउ फैमिलियर विद द स्ट्रक्चर, सब चीज़ों के बारे में पता है. ओवरी, फिलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स एंड वजाइना, ये पता है, सबके स्ट्रक्चर के बारे में पता है. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट स्टार्ट विद मेनस्ट्रुअल साइकिल. अब मेनस्ट्रुअल साइकिल में बहुत कुछ आएगा. फॉर एग्जाम्पल ओव्यूलेशन फेज, फॉलिकुलर फेज, मेनस्ट्रुअल फेज, ल्यूटियल फेज, ये सब कुछ आएगा और ये आपको सब कुछ पता भी चलेगा. बट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दोज थिंग्स यू हैव टू क्लियर सम बेसिक्स. अब वो बेसिक्स क्या हैं? वो स्टार्ट होता है एक ऐसे स्ट्रक्चर से दैट इज नोन एज हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस के बारे में मुझे इतना भी आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज इन योर नाइन्थ स्टैंडर्ड यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस इन योर व्हाट वाज द चैप्टर, कोऑर्डिनेशन वाला. यस, कोऑर्डिनेशन के चैप्टर में हाइपोथैलेमस था, पिट्यूटरी ग्लैंड था. थोड़ा सा एक क्विक रिविजन लेंगे कि हाइपोथैलेमस क्या है. बट मेनस्ट्रुअल साइकिल में आप एक बात हम नोट डाउन कर लो अपने नोटबुक में और अपने माइंड में भी कि डायरेक्टर बोलते ना इस पूरी स्टोरी का और ये पूरे जो भी होने वाला है, जो पूरी एक प्रोसेस होने वाली, उन सब का डायरेक्टर और आई कैन से पूरा एक मालिक बॉस इज हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस से ही सब कुछ स्टार्ट होगा. सो यस, ही इज द बॉस. वेयर इज हाइपोथैलेमस? हाइपोथैलेमस कहाँ प्रेजेंट होता है? हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट कंटेन्स क्लस्टर ऑफ सेल्स, न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स बोलते हैं उनको. ये ऐसे सेल्स हैं जो बहुत ही खास हैं बिकॉज दे आर एबल टू सिंथेसाइज, दे आर एबल टू स्टोर एज वेल एज जब भी ज़रूरत होगी दे कैन रिलीज द हॉर्मोन्स. तो आई कैन से हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन. फर्स्ट दैट इज तो क्लियर ना कि ब्रेन में ही प्रेजेंट है हाइपोथैलेमस. उस ब्रेन के पार्ट के पास क्या है, कुछ सेल्स हैं. कैसे हैं? क्लस्टर्स में है, प्रेजेंट हैं. उनको बोलते हैं न्यूरोसिक्रेटरी सेल. ये सेल की खास बात कि अगर सेल है तो कुछ तो काम करेगा. वो सेल क्या काम करता है? हॉर्मोन्स को बनाना, उसको स्टोर करना और वक्त आने पर क्या करना, रिलीज करना. नाउ आपको जितना मेनस्ट्रुअल साइकिल के बारे में जानना है उसमें आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है विच इज़ कमिंग फ्रॉम योर हाइपोथैलेमस इज GnRH. GnRH का फुल फॉर्म है गोनाडोट्रोपिन हार्मोन. अब ये गोनाडोट्रोपिन हार्मोन है. अब मैं ये जो स्टोरी है बेसिकली जो मेनस्ट्रुअल साइकिल की जो पूरा हमने आज पुपीरियम देखने वाले हैं, ये एक बात मैं आपको बोल दूँ, यहाँ पे हर एक हार्मोन, हर एक स्ट्रक्चर इज इन एक्टिव स्टेज. सब काम करते हैं, सबके सब, मतलब अगर किसी को कहीं से मैसेज मिला वो दूसरा अपना रिएक्शन देना ही देना है. अब मैं आपको हार्मोन के बारे में एक चीज़ बताती हूँ. हार्मोन्स आर बेसिकली मैसेंजर, वो मैसेज लेके आते हैं. तो मैंने क्या बोला, बॉस कौन है? हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस को अपना बोलते हैं ना मैसेज भिजवाना है, तो उसने किसको लेके आया, कौन सा हार्मोन? GnRH. ये GnRH हार्मोन वो किसके पास भेजेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड के पास भेजेगा. अब पिट्यूटरी ग्लैंड का है वो भी देख लो. ये देखो, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये दैट द अपर वन इज हाइपोथैलेमस एंड द लोअर वन इज पिट्यूटरी. तो अब पिट्यूटरी को अपना संदेश भिजवाना है फ्रॉम हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी को हाइपोथैलेमस को भेजना है, तो उसने क्या हार्मोन रिलीज किया? GnRH.
तो GnRH क्या है? गोनाडोट्रोपिन हार्मोन है जो जाएगा किसके पास? पिट्यूटरी ग्लैंड के पास. सो एज आई सेड अर्ली ऑल्सो कि सारे के सारे स्ट्रक्चर, सारे के सारे हार्मोन्स एक्टिव स्टेज में हैं. तो जैसे ही गोनाडोट्रोपिन पहुंचता है पिट्यूटरी के पास, क्या रिलीज होता है? LH एंड FSH. LH इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड FSH इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. अब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन में जब बोल रही हूँ तो तुरंत आपका ध्यान इस पिक्चर पे जाना चाहिए. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ फॉलिकल. एक्चुअली दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ फॉलिकल. अब मुझे बोलोगे आप, मैम आपने उस साइड बताया, अब नया क्या है फॉलिकल? अब मैं फॉलिकल आपको, लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट इज फॉलिकल. फॉलिकल क्या है? ये जो बीच में देख रहे हो, दिस इज द ऊसाइट. ऊसाइट मतलब फीमेल गैमेट्स. अब मैंने क्या बोला था कि वो कौन से स्टेज में होता है? वो इमेच्योर रहता है. उसको क्या करना है? मैच्योरेशन करवानी है. तो उसके लिए उसको नरिशमेंट लगेगी. तो उसको वो नरिशमेंट कौन करेगा? ये जो उसके अगल बगल ये जो सेल्स दिख रहे हैं ना, ये इसको बोलते हैं एसेसरी सेल्स विच आर गोइंग टू हेल्प दी ऊसाइट उसकी नरिशमेंट और उसके मैच्योरेशन के लिए. तो यहाँ पे ऊसाइट प्लस दीज एसेसरी सेल्स, मतलब ऊसाइट एंड एसेसरी सेल टुगेदर दे आर नोन एज फॉलिकल. टुगेदर दे आर नोन एज फॉलिकल. नाउ आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन कि वुमन इज बॉर्न विथ हर लाइफ टाइम सप्लाई ऑफ प्राइमरी ऊसाइट. एक्चुअली जो ये हार्मोन है प्राइमरी, जो इमेच्योर ये आपका ऊसाइट है वो कौन से स्टेज में रहता है? प्राइमरी. इट्स अ इमेच्योर. फिर अंडर द कंट्रोल ऑफ हॉर्मोन्स, अंडर द कंट्रोल ऑफ हॉर्मोन वो मैच्योरेशन की तरफ बढ़ता है. उसको बोलते हैं आगे चल के सेकेंडरी. और ये कौन सा स्टेज होता है? मैच्योर. ठीक है, तो अब इसकी हेल्प कौन करने वाले हैं फ्रॉम प्राइमरी टू मैच्योर स्टेज? दिस क्लस्टर ऑफ सेल्स. डोंट गो इन दैट डीप, जस्ट अंडरस्टैंड कि वुमन इज बॉर्न विथ हर लाइफ टाइम सप्लाई ऑफ प्राइमरी ऊसाइट अबाउट 1 to 2 billion. इतने ऊसाइट उसके बॉडी में रहते, मतलब उसके ओवरी में है. और वो कौन से स्टेज में है? इमेच्योर. नाउ नो ऊसाइट इज जनरेटेड फर्दर इन हर लाइफ. मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता था, प्यूबर्टीज के बाद, प्यूबर्टी से लेकर डेथ तक फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस हो रहे थे. बट इन दिस केस इट इज़ नॉट लाइक दैट. She is born and she is going to, those oocytes are present in immature stage and puberty ke baad wo kahan ki taraf badhenge? Maturation ki taraf badhenge. Many of these die each day, but about 4 lakhs of remains in the puberty. And uske baad वो प्यूबर्टी के बाद क्या करेंगे? फर्टिलाइजेशन की तरफ, मतलब मैच्योरेशन की तरफ बढ़ेंगे, जहाँ पे वो आइदर फर्टिलाइज होंगे, अगर स्पर्म प्रेजेंट होंगे तो फर्टिलाइज होंगे, और अगर नहीं होंगे तो क्या होगा, वही आज हम सीखने वाले, दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल. फॉलिकल के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि फॉलिकल क्या है. एक ऊसाइट है, उसके आगे क्लस्टर्स ऑफ सेल हैं जो हेल्प करेंगे नरिशमेंट में, मैच्योरेशन में ऑफ ऊसाइट फीमेल गैमेट्स के. तो दिस इज सम बेसिक्स अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल कि हाइपोथैलेमस क्या करने वाला है. हाइपोथैलेमस क्या है? पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट कंटेन्स क्लस्टर्स ऑफ सेल जो बहुत स्पेसिफिक हैं, सिंथेसाइज कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और वक्त आने पर रिलीज करते हैं हॉर्मोन्स को. मेंस्ट्रुअल साइकिल को सीखना है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट हॉर्मोन है, दैट इज GnRH, गोनाडोट्रोपिन हॉर्मोन. ये गोनाडोट्रोपिन हार्मोन भागता नहीं, थोड़ा स्लो स्पीड में जाएगा क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड उसके जस्ट नीचे है. तो पिट्यूटरी ग्लैंड एक्चुअली आपका हाइपोथैलेमस, इफ़ यू विल लुक एट द स्ट्रक्चर,
हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी एक स्टॉक से कनेक्टेड है, दैट स्टॉक से ही वो कनेक्टेड है. तो आपका जो GnRH है वो कहाँ जाएगा, पिट्यूटरी के पास जाएगा. मैंने क्या बोला, सबके सब एक्टिव हैं, तो पिट्यूटरी क्या करने वाला है, दो हॉर्मोन्स रिलीज करेगा, LH एंड FSH. और उसके बाद मैंने आपको बताया फॉलिकल के बारे में, एक सराउंडिंग है, उस साइड के अगल बगल कुछ सेल्स हैं, एसेसरी सेल्स हैं जो नरिशमेंट और मैचुरेशन में हेल्प करेंगे. लेट्स अंडरस्टैंड. तो दिस इज ऑल्सो बेसिक ऑफ स्लाइड. आई कैन से कि दीज थ्री स्ट्रक्चर्स आर इन्वॉल्व, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड देन नेक्स्ट विच ऑर्गन विच इज इन एक्शन इज ओवरी. वाई ओवरी, बिकॉज मैंने ओवरी को आपको बोला ही था कि ओवा प्रोड्यूस करने वाले और हॉर्मोन्स. तो ये थ्री स्ट्रक्चर दे आर ऑल इन एक्टिव स्टेज. When hypothalamus ने GnRH release किया, boss ने जैसे ही command दी, ये दोनों के दोनों active stage में आ जाएंगे. And yes, in addition to that, uterus भी active stage में आएगा. अब आपकी textbook में ना एक ऐसा कुछ explanation दिया है, female reproductive system undergo some changes at puberty and those changes repeated at the interval of every 28 and 30 days. These repetitive changes are called menstrual cycle. अब ये जो repetitive change है, जो cycle है, अब वो सीखते हैं. Let's understand. आगे की slide में मैंने क्या बोला था, हाइपोथैलेमस. मैंने हाइपोथैलेमस को एक नाम दिया, दैट इज इग्निशन की, वहीं से सब स्टार्ट होने वाला है. तो हाइपोथैलेमस ने क्या किया, एक हार्मोन दिया. ये आपको ऐसे ही सीक्वेंस में याद करना है. एंड यस, इन बिटवीन पॉज माय वीडियो, राइट दिस फ्लो चार्ट इन योर नोटबुक सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज दिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म. एंड ऑल्सो आई होप यू ऑल हैव kept your textbook in front of you while watching this video. अभी hypothalamus है, भेजेगा क्या, GnRH. GnRH आया, किसके पास जाएगा, messenger है, किसके पास जाएगा, pituitary के पास. pituitary क्या करने वाला है, LH और FSH भेजेगा. अब ये जो FSH है, इसका full form क्या था, follicle stimulating hormone. फॉलिकल को स्टिमुलेट किया कि चल लो ग्रो हो जाओ, तो ये फॉलिकल्स क्या हो जाते हैं, ग्रो होने लगते हैं और उस साइड की भी हेल्प करने लगते हैं. तो नाउ दिस LH एंड FSH इज गोइंग टू एक्ट. ये भागते हुए ये हॉर्मोन्स कहाँ जाएंगे, ओवरी के पास. क्यों भागते हुए जाएंगे, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है ना, तो भागते हुए पहुँचे किसके पास, ओवरी के पास. ओवरी के पास पहुंच चुके हैं और वहाँ पे जो मैं स्ट्रक्चर वहाँ पे ड्रॉ कर रही थी, जो मैंने ड्रॉ करके आपको दिखाया, एक्चुअली इट लुक्स लाइक दिस. दिस इज दी ओसाइट और इसके अगल बगल देखो सराउंडिंग, इट इज सराउंडेड बाय अ क्लस्टर्स ऑफ सेल. टुगेदर दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज फॉलिकल. अब थोड़ा सा अब आगे धीरे धीरे बढ़ने वाले हैं. अब ये जो फॉलिकल है, मैंने क्या बोला, FSH आया, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आया. फॉलिकल स्टिमुलेट किया उसने, तो फॉलिकल क्या हुए, ग्रो करना चालू किए. तो वो क्या करेंगे, ग्रो तो कर ही रहे हैं और एक हार्मोन रिलीज कर देंगे, दैट इज द फर्स्ट फीमेल हार्मोन, एस्ट्रोजन. ये सारा वैसे कहाँ हो रहा है, ओवरी में हो रहा है ना, तो दैट्स व्हाई तो आई हैव सेड कि फीमेल ओवरी क्या प्रोड्यूस करने वाली है, दो फीमेल हार्मोन्स, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन. तो एस्ट्रोजन पहला हार्मोन अभी पिक्चर में आ चुका है. तो ग्रोइंग फॉलिकल इज गोइंग टू रिलीज अ हार्मोन दैट इज एस्ट्रोजन. एस्ट्रोजन के थ्री इफेक्ट्स हैं. क्या थ्री इफेक्ट्स हैं, फॉलिकल डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे, उस साइड को मैच्योर करेंगे, मतलब फॉलिकल खुद भी ग्रो होगा, उस साइड को बोलेगा तुम भी मैच्योर हो, क्योंकि हॉर्मोन्स का भी मैसेज आ चुका है. वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, GnRH से. या एंड मैंने क्या बोला था, यूट्रस भी एक्शन में आएगा, तो यूट्रस की भी इनलार्जमेंट होगी. वैसे क्यों होगी यूट्रस की इनलार्जमेंट, अगर आगे चल के, क्योंकि आपका जो ये जो ह्यूमन की जो बॉडी सिस्टम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसको आफ्टर प्यूबर्टी वो पूरा सिस्टम रेडी होगा ना, अगर आगे चलकर
स्पर्म से फर्टिलाइजेशन हुआ तो एंडोमेट्रियम या आई कैन से यूट्रस रेडी भी तो रहना चाहिए बच्चे के इम्प्लांटेशन के लिए. तो ओवरी के साथ साथ यूट्रस भी अपने एक्टिव स्टेज में आकर अपना काम स्टार्ट कर देता है अंडर द इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन. तो आई कैन से द ग्रोइंग फॉलिकल इज रिलीजिंग द एस्ट्रोजन, जिसके थ्री इफेक्ट्स हैं. फॉलिकल भी ग्रो हो रहा है, उस साइट मैच्योर हो रहा है एंड एंडोमेट्रियम इनलार्जमेंट हो रहा है. अभी यहाँ पे बहुत कॉम्प्लेक्स है एक्चुअली ये, बट अगर आपको इफ़ यू डोंट हैव ट्रस्ट ऑन मी कि मैम क्या बोल रही हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो. प्राइमरी से देखो बढ़ता गया लेयर, ये देखो ये डेवलपमेंट हो रही है, यही है वो फॉलिकल डेवलपमेंट एंड ओसाइट मैच्योरेशन. और यूट्रस का क्या हो रहा है, इनलार्जमेंट. आगे चल के क्या होगा, एक स्टेज तो आएगी ना कि ओसाइट मैच्योरेशन हो जाएगा. तो मैंने क्या बोला था, मैच्योरिटी के बाद क्या होगा, इट विल बी रिलीज फ्रॉम द ओवरी. कौन करने वाला है, पिक फेलोपियन ट्यूब. क्या प्रेजेंट है, सीलिया. बट उसको रिलीज करना है, ये कैसे पता चलेगा कि अरे ओव्यूलेशन अब उसको रिलीज कराना है, ये मैच्योर हो गया. कैसे पता चलेगा, पता ऐसा चलेगा कि एक टाइम, बिकॉज फॉलिकल ग्रो हो रहे हैं, वो एस्ट्रोजन दे रहे हैं, जो ग्रोइंग ये जो इंक्रीज अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन है वो कॉज क्या करेगा, LH सर्ज. सर्ज को मैं यहाँ पे एक हिंदी में डेफिनेशन अगर बट सर्ज मतलब अधिक मात्रा में आना. तो ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन का एस्ट्रोजन जब बढ़ रहा है ना, क्वांटिटी उसकी मतलब अमाउंट उसका बढ़ रहा है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को एक सिग्नल जाता है और वो क्या रिलीज करेगा, ये एस्ट्रोजन क्या रिलीज, एस्ट्रोजन की जो ग्रोइंग क्वांटिटी है वो क्या बोलेगी पिट्यूटरी ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड प्लीज रिलीज ज़्यादा अमाउंट ऑफ LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. जैसे ही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आया, वो फॉलिकल, क्योंकि उसके अंदर ही तो होता था ओसाइट, वो फॉलिकल बस्ट हो जाएगा और ओसाइट बाहर की तरफ फेंक दिया जाएगा फ्रॉम ओवरी. अभी यहाँ पे देख लो स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इट इज ओवरी, ओसाइट रिलीज हुआ और ये देखो फिम्ब्रिकेटेड मार्जिन वाली क्या है, फिलोपियन ट्यूब, उसने इसको क्या कर लिया, पिकअप. दिस इज नोन एज ओव्यूलेशन. अब ये ओव्यूलेशन हो चुका है, मतलब जो स्टोरी यहां से स्टार्ट हुई, हाइपोथैलेमस GnRH दिया पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, पहुंचा GnRH, LH और FSH आ गया, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन था, ओवरी को में जो फॉलिकल्स थे उसको उसने बोला चलो ग्रो होना स्टार्ट करो, मैच्यूरेशन का वक्त आ चुका है. फिर ग्रोइंग फॉलिकल जो है एक हार्मोन रिलीज कर रहे हैं एस्ट्रोजन, उससे क्या हो रहा है, फॉलिकल डेवलप भी हो रहा है, ओसाइट का मैच्योरेशन भी हो रहा है और एक सिग्नल यूट्रस की तरफ जा रहा है कि एंडोमेट्रियम इनलार्जमेंट करो, क्योंकि आगे चलकर अगर बेबी का इम्प्लांटेशन करने की कंडीशन आई यू शुड बी रेडी. फिर ओव्यूलेशन हुआ, जाहिर सी बात है मैच्योरिटी आ चुकी है तो ओसाइट ओवरी में तो आके फर्टिलाइजेशन होगा नहीं, तो उसकी तो उसको कहाँ, ओविडक्ट की तरफ फेंका जाएगा, रिलीज किया जाएगा. तो एस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा हो रहा था, ये बहुत ज़्यादा वाला अमाउंट पिट्यूटरी ग्लैंड को एक संदेश देगा कि यस LH सर्ज करो. LH सर्ज होगा, फॉलिकल बस्ट हो जाएगा, ओसाइट रिलीज हो जाएंगे और इस प्रोसेस को बोलते हैं ओव्यूलेशन. सो व्हाट विल हैपन आफ्टर द ओव्यूलेशन, दिस इज माई क्वेश्चन टू यू. ओव्यूलेशन के बाद दो चीज़ें हो सकती हैं. ओव्यूलेशन जब ओविडक्ट में आ चुका है हुआ, तो या तो ये होगा कि मान लीजिए स्पर्म आएगा और फर्टिलाइजेशन करवाएगा, या तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, मतलब ओसाइट फर्टिलाइज नहीं हुआ. तो अगर ओसाइट फर्टिलाइज नहीं हुआ इट शुड बी डिस्कार्डेड, और वही जो डिस्कार्ड की प्रोसेस है उसी को वो है वो एक्चुअली मेनस्ट्रुअल साइकिल है. तो ओव्यूलेशन के बाद दो चीज़ें होंगी, या तो फर्टिलाइजेशन होगा या तो नहीं होगा. हम दोनों कंडीशन देखने वाले हैं कि होगा तो क्या, कैसे आगे के चेंजेस होंगे और नहीं होगा तो क्या आने होने वाले हैं ना. अब आपने इन एडिशन टू दैट एक क्वेश्चन और भी आया होगा कि मैम ओसाइट तो चलो आपने बाहर करवा दिया ओविडक्ट की तरफ, अब ये जो उसको बेचारे उसके दोस्त थे जो उसके
बोलते हैं ना इमेच्योर स्टेज से उसके साथ थे, मतलब आई कैन से वो एसेसरी सेल्स, उनका क्या हुआ? वो भी आया होगा ना दिमाग में कि अरे उस साइड को तो आपने रिलीज करवा दिया, फॉलिकल बर्स्ट भी हो गया, तो फॉलिकल्स कहाँ गए? बिकॉज वो उसका तो बहुत अच्छा दोस्त है, क्योंकि उसी ने उसको हेल्प की थी. दीज एसेसरी सेल्स, दीज फॉलिकल, ये फॉलिकल्स ने उसकी हेल्प की थी उसके मैच्योरेशन में. तो भी उन्होंने क्या किया, वो क्या बन गए अभी? बिकॉज उनका दोस्त अब जा चुका है, मतलब उस साइड रिलीज हो चुका है, तो उन्होंने अपना नाम बदला और अपने आप का नाम रख लिया कॉर्पस ल्यूटियम. सो दिस वॉज दी एकदम सिंपल एक्सप्लेनेशन विच आई हैव गिवन, कि दोस्त चला गया और उसने अपना नाम बदल लिया. बट साइंटिफिकली रिमेनिंग टिश्यू ऑफ द बर्स्ट फॉलिक्यूल फॉर्म्स द कॉर्पस ल्यूटियम. जो बचा हुआ फॉलिकल है वो क्या बनेगा? कॉर्पस ल्यूटियम. अब आप बताइए कि कॉर्पस ल्यूटियम जो है, अगर ओवरी में बना, स्ट्रक्चर बना, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. भले उस साइड चला गया हो, भले उस साइड चला गया हो, पर कॉर्पस ल्यूटियम और आई कैन से जो रिमेनिंग फॉलिकल्स थे, उन्होंने अपनी दोस्ती नहीं छोड़ी है, बिल्कुल नहीं छोड़ी. और वो क्या रिलीज कर रहे हैं? द सेकेंड हार्मोन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दैट इज प्रोजेस्टेरोन. व्हाट इज प्रोजेस्टेरोन? आई नो इट इज लिटिल डिफिकल्ट, बट इसको समझना है. अब मुझे एक बात बताओ, अगर उस साइड फर्टिलाइजेशन हो गया, मतलब स्पर्म से यूनाइट होके जायगोट बना दिया, और नेक्स्ट मंथ, हाँ सॉरी, जायगोट बन गया और वो यूट्रस में आके इम्प्लांट हो गया, अब बेबी की ग्रोथ होने वाली है, अब एक नई लाइफ आने वाली है. सो डोंट यू थिंक कि अगले महीने 28 दिन के बाद नया ओसाइट रिलीज नहीं होना चाहिए? मतलब GnRH को काम नहीं करना चाहिए? उसको कोई तो जाके बताएगा ना कि भाई ओसाइट फर्टिलाइजेशन हो चुका है, नेक्स्ट मंथ तुम छुट्टी लो, मत करो. ये कौन करेगा? प्रोजेस्टेरोन. सो दैट्स व्हाई आई हैव सेड जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ दैट फॉलिकल थे, वो जो कॉर्पस ल्यूटियम बन गए, उन्होंने अपनी दोस्ती नहीं छोड़ी, उन्होंने क्या किया? प्रोजेस्टेरोन रिलीज किया. और ये प्रोजेस्टेरोन देखो इसके चमत्कार की क्या क्या कर रहा है. ये कॉर्पस ल्यूटियम है, रिमेनिंग पार्ट है, ऑल आर एग्री विथ मी, उसने क्या रिलीज किया? प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, इसका कंबाइंड इफेक्ट GnRH, LH और FSH सबको बोलेगा, भाई फर्टिलाइजेशन हो गया है, बेबी का इम्प्लांटेशन होने वाला है, तुम लोग अब कुछ मत करना अगले महीने में, अब तुम लोग रेस्ट ले लो, अब तुम छुट्टी पे जाओ. तो कौन बोलेगा उसको? कॉर्पस ल्यूटियम. दिस इज एक्चुअली फॉर कॉर्पस ल्यूटियम, बिकॉज वो सिग्नल दे रहा है. किससे सिग्नल कैसे देगा? एक मैसेंजर है उसके पास, क्या है वो? प्रोजेस्टेरोन. उसकी हेल्प से वो उसको बोल रहा है GnRH और FSHLH को, रुक जाओ, क्योंकि बेबी का उस साइड फर्टिलाइजेशन हो चुका है, बेबी आ सकता है, इम्प्लांटेशन होने वाला है. ये समझा क्यों है? रिमेनिंग पार्ट फॉलिकल का वो बैठा रहेगा शांति से ओवरी में, और वो क्या रिलीज करता रहेगा? प्रोजेस्टेरोन. क्यों रिलीज करेगा? टाइम पास करने के लिए? बिल्कुल नहीं. वो क्या करेगा? वो बोलेगा कि अगर उस साइड फर्टिलाइजेशन हो रहा है, हो चुका है, तो तुम अभी कुछ करो मत. इफ ये तभी रिलीज करेगा जब, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन अ हेडिंग, इफ उस साइड इज फर्टिलाइज्ड. अगर उस साइड फर्टिलाइज हो गया तो कॉर्पस ल्यूटियम अगले कुछ दिनों के लिए, 9 मंथ के लिए, ये हॉर्मोन्स रिलीज करेगा, जो कि एक सिग्नल होगा फॉर हाइपोथैलेमस, फॉर पिट्यूटरी ग्लैंड, कि अब कोई एग आप मैच्योरेशन पे मत डालना, अब कोई भी इमेच्योर से मैच्योर की तरफ नहीं बढ़ेगा. एक्चुअली हाइपोथैलेमस क्या करवा रहा था? इमेच्योर उस साइड को मैच्योर करवा रहा था, फिर उसका रिलीज करवा रहा था. और अब अगर उस साइड एक ऑलरेडी एक ओसाइट फर्टिलाइज हुआ है, तो बाकियों को तो रोकना पड़ेगा, तो उसके लिए प्रोजेस्टेरोन. दिस इज द फर्स्ट केस, अगर ओसाइट फर्टिलाइज हो गया. व्हाट इफ अगर नहीं हुआ? सोचो नाउ, अभी जो कॉर्पस ल्यूटियम है, मैंने क्या बोला था, ये ओसाइट का सबसे अच्छा दोस्त है.
वो प्रोजेस्टेरॉन विच रिलीज कर रहा है वो बोला हाइपोथैलेमस को और आई कैन से पिट्यूटरी ग्लैंड को कि कुछ मत अभी रिलीज करना क्योंकि अभी उस साइड फर्टिलाइज हुआ है. इन एडिशन टू दैट प्रोजेस्टेरॉन भागता हुआ यूट्रस के पास भी पहुंचा और उसने क्या बोला एंडोमेट्रियम को बोला कि ग्रो हो जाओ. ग्रोइंग नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल का नेटवर्क बढ़ा लो. सिक्रीशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड लिपिड सब कुछ अच्छा करो ताकि जब ओसाइट फर्टिलाइज होकर यूट्रस में पहुँचे तो जो जाइगोट है वो एनकाउंटर करे एक एनवायरमेंट जो रिच हो उसकी न्यूट्रिशन के लिए उसके ग्रोथ के लिए. तो कॉर्पस लूटियम ने इवन दो ओसाइट उसको जा चुका है उसको छोड़ के और कॉर्पस लूटियम ने अपनी दोस्ती रखी उसने क्योंकि इम्प्लांटेशन होने हो सकता है क्योंकि स्पर्म अभी यूनाइट हो चुका है. तो उसने बोला ऊपर वालों को काम मत करना एक महीने कुछ 9 मंथ तक अभी आप लोगों को कुछ नहीं करना है कोई उस साइड मैच्योर नहीं कराना है. एंड इन एडिशन टू दैट उसने यूट्रस को बोला तुम भी रेडी रहो. नाउ व्हाट आई सेड कि अगर नहीं हुआ उस साइड तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा. ये ट्विस्ट है. अगर उस साइड फर्टिलाइज नहीं हुआ तो कॉर्पस लूटियम बेचारा फिर से चेंज होगा एंड वो अब बन जाएगा कॉर्पस एल्बिकेंस. एल्बिकेन मतलब वाइट स्ट्रक्चर. कॉर्पस ल्यूटियम वॉज अ एक्टिव स्टेज बिकॉज प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन रिलीज कर रहा था. कॉर्पस एल्बिकेंस इनएक्टिव है कुछ नहीं होगा. डोंट यू थिंक जब ये नहीं रहेगा जब ये इसमें तब्दील हो जाएगा कब तब्दील होगा जब उस साइड फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ. तो जब ये बन जाएगा तो ये तो रहेगा ही नहीं. ये नहीं रहेगा तो मतलब प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन रहेंगे ही नहीं. तो जैसे प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन नहीं रहेंगे तो वो जो रुक जाओ वाला हमने सिग्नल देखा वो हाइपोथैलेमस को पहुंचेगा ही नहीं. हाइपोथैलेमस नेक्स्ट मंथ क्या रिलीज करेगा अपना काम करेगा जीएनआरएच करवा के एक नई उस साइट को बोलेगा चलो अभी मैच्योरेशन की तरफ बढ़ो. तो ये हुआ ही नहीं. तो उस साइट क्या है अभी ये आपने ज़रूर सोचे होगे कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ बच्चों तो वो उस साइट शुड बी डिस्कार्डेड फ्रॉम दी वुमेंस फीमेल सिस्टम ना. बिकॉज अगर वो उसमें ही रह गया तो टॉक्सिसिटी होगी शी मे सफ़र फ्रॉम मेनी डिजीज. तो वो डिस्कार्ड की जो प्रक्रिया है वही है मेनस्ट्रुअल साइकिल. सो लेट्स कंक्लूड दिस स्लाइड. उस साइड फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ कॉर्पस लूटियम क्या बन गया कॉर्पस एल्बिकेंस एक्टिव से इनएक्टिव में. ये नहीं रहेगा प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन नहीं रहेंगे सिग्नल हाइपोथैलेमस को जाएगा नहीं. नेक्स्ट मंथ नया ओसाइट मैच्योरेशन की तरफ बढ़ेगा. जो अभी जो बचा हुआ मतलब जो इस महीने का ओसाइट जो मैच्योर हुआ था जो रिलीज हुआ था इट शुड बी डिस्कार्डेड फ्रॉम द बॉडी. और क्या होगा यूटिलाइज ओवम आर डिस्कार्डेड दे विल बी डिस्कार्डेड फ्रॉम द बॉडी. एंड अगेन एंडोमेट्रियम की वॉल जो बहुत ही थिक हो गई थी ग्रो हो गई थी उसमें ग्लैंडुलर थे उसमें सब कुछ एक ग्रो हुआ था एंडोमेट्रियम वो भी क्या होगा उसकी स्टार्ट द वॉल इज गोइंग टू स्टार्ट डीजनरेट उसको अब वो टूटने लगेगी. और इस एक्चुअली इस टूटने के कारण ही जो हम बोलते हैं ना मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स लड़कियों को जो सफ़र करती हैं लड़कियाँ ड्यूरिंग दी मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड्स में वो इसीलिए होते बिकॉज दिस एंडोमेट्रियम वॉल इज गेटिंग डीजनरेटेड टूटने लगती हैं. तो उससे क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन होता है यूट्रस में और उससे क्या होते हैं दर्द होता है. एंड दिस यूटिलाइज ओवम आर डिस्कार्डेड थ्रू वजाइना एंड ब्लीडिंग होती है और उस प्रोसेस को बोलते हैं मेनस्ट्रुअल साइकिल. अब मेनोपॉज क्या है स्टॉपिंग ऑफ मेनस्ट्रुअल साइकिल अबाउट इन द एज ऑफ 45 to 50 वुमन की स्टेज वुमन की लाइफ में एक स्टेज आती है जिसको बोलते हैं मेनोपॉज जिसमें मेनस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है मतलब धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाती है उसको बोलते हैं मेनोपॉज. मेनोपॉज के बाद वुमन्स आर नॉट एबल टू कंसीव. एंड सो लेट्स रिवाइज वॉट इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक आफ्टर एक्सप्लेनिंग मेनस्ट्रुअल साइकिल इन सो डीपली. Unless the oocyte is fertilized and the embryo is implanted, this process is repeated every month. Am I right? Definitely. Agar fertilization ho gaya,
ऊसाइट इम्प्लांट हो गया तो क्या होगा? तो ये होगा ना, तो साइकिल को, तो साइकिल रुक जाती है, तो नहीं होगी साइकिल। इफ द एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड, रिपीटेशन ऑफ दिस साइकिल इज टेम्पररीली स्टॉप जब तक बच्चे की जन्म नहीं होता, टिल द पार्चुरेशन दैट इज बर्थ एंड देयर आफ्टर द पीरियड ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। Now, menstrual cycle is a natural process and the woman experience severe pains during the period. मैंने उसका एक रीज़न आपको बता दिया, यूट्रस के में जो एंड्रोमेट्रियम है उसका टूटना, दैट इज menstrual cramp. Several weakness is felt due to heavy bleeding because ovum is discarded through vagina. उसमें ब्लीडिंग हो रही थी तो वीकनेस भी है. There is a higher possibility of infection two during this overall period. Due to all these such reason, there is a need of rest along with the special personal hygiene. Let's revise. अब ये आपकी टेक्स्ट बुक से मैंने जानबूझ के लिया है बिकॉज आई नो यू ऑल आर गेटिंग कन्फ्यूज कि ये क्या है. ये देखो, ये जो नीचे आपको दिख रहा है दैट इज यूट्रस, ये जो ऊपर दिख रहा है ये हो रहा है ओवरी में. किसके अंडर हो रहा है? बॉस, हाइपोथैलेमस. उसने किसको भेजा सिग्नल? पिट्यूटरी को. क्या भेजा था? GnRH भेजा था. GnRH ने क्या किया? FSH और LH किया. इसीलिए मैं बोल रही हूँ टेक्स्ट बुक को देखो बार बार. FSH और LH, FSH भागता हुआ कहाँ गया? फॉलिकल्स के पास. फॉलिकल बढ़े किसकी तरफ? ओव्यूलेशन की, अरे ग्रोथ की तरफ, मैच्योरेशन की तरफ. इन दैट सेम वे ये ग्रोइंग फॉलिकल बच्चों क्या रिलीज कर रहे थे? एस्ट्रोजन. एस्ट्रोजन के इफेक्ट में यूट्रस भी अपनी तरीके से बढ़ रहा है. क्यों? क्योंकि वो रेडी हो रहा है इम्प्लांटेशन के लिए. फिर एक स्टेज ऐसी आई, मेंस्ट्रुअल साइकिल को अगर सीखना है तो एक स्टेज ऐसी आई, मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होगा? ओसाइट विल बी नॉट फर्टिलाइज्ड और क्या होगा? डिस्कार्ड होगा वो ओसाइट का. तो यहाँ पे क्या होगा? कॉर्पस लूटियम विल बी कनेक्टेड इनटू कॉर्पस एल्बिकेंस. दिस विल कॉज द डिक्रीज इन द प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन लेवल. ड्यू टू दैट यूट्रस की जो है वॉल टूटेगी और वो उस साइट रिलीज होगा फ्रॉम द बॉडी थ्रू द वजाइना एंड ब्लीडिंग होगी एंड दैट इज मेनस्ट्रुअल साइकिल. इट विल बी रिपीटेड 20 to 38 डेज के बाद में फिर से रिपीट होगी क्योंकि हाइपोथैलेमस दैट इज द बॉस इज इन एक्शन एवरी मंथ. अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, बेबी इम्प्लांट हो गया, तो ये प्रक्रिया आगे के 9 महीने और ब्रेस्ट फीडिंग तक रुक जाएगी. तो दिस इज ऑल अबाउट मेनस्ट्रुअल साइकिल. थैंक यू.